Tucked about 11 kilometers away from Bastar is this remarkable village called Timrapal. Known for revolutionizing education of girls in the Naxal-prone district of Chhattisgarh. Championing this cause is Dharampal Saini, a disciple of Vinoba Bhave. Saini, fondly known as the Tau of Bastar, has been working relentlessly for educating the girl child for over 40 years now. Vinoba ji ne uske liye hame अनुमति प्रदान कर दी, आशीर्वाद प्रदान कर दिया, लेकिन मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि हिंदुस्तान का जो खनिज पदार्थ हैं वो कहाँ हैं? मैंने कहा बाबा मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ आगरा यूनिवर्सिटी का और अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका 3/4 ट्राइबल बेल्ट में है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, जैसे धरती के अंदर खनिज पदार्थ छिपा हुआ है वैसे ही 1000 साल की अनछुई प्रतिभा भी वहाँ है। तुम्हारा मुख्य काम जो तुम करोगे वो रहेगा उनकी प्रतिभाओं को खोजना और निखारना। ताऊ जी के वजह से हम सब पढ़ पाते हैं। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत पसंद है। धर्मपाल सेट अप माता रुक्मणी सेवा संस्था इन 1976 and opened residential schools called Ashram locally to harness the unexplored capabilities of tribal girls. But the path to education wasn't easy. It was fraught with great difficulties. 40 साल पहले जब भूमि आश्रम के लिए भूमि का खोजबीन की जा रही थी तब इस इमली के पेड़ के नीचे हम लोग आके खड़े हुए थे और उसी दौरान यहाँ के सरपंच यहाँ से गुजर रहे थे। उनको मैंने रोका और कहा कि हम यहाँ बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए एक आश्रम शुरू करेंगे, क्या आप अपनी बालिका को उसमें आश्रम में भेजेंगे? मुझे आशा थी कि सरपंच हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन मुझे एक तरह का बड़ा गहरा धक्का लगा जब सरपंच ने ये कहा कि लड़की कोई पढ़ाता है क्या? मुझे लगा ये तो बड़ी चुनौती है। वो 10 से मल्टीपल कर देंगे। चैलेंजिंग ऑल ट्राइबल बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस, ही स्टार्टेड इम्पार्टिंग फॉर्मल एजुकेशन फॉर फ्री टिल द 12th ग्रेड। धर्मपाल बीइंग एन एथलेटिक चैंपियन इन हिज स्कूल डेज लेड इक्वल एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स। वेरी गुड। With his institution producing scores of national level players over the years. शिक्षा अगर ज्ञान प्रधान है तो खेल कर्म प्रधान है, दोनों समर्पित भावना मांगते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए खेल शिक्षा के साथ में बहुत जरूरी है। When in the sports ground, Tejaswari Begal is a national level player in handball. But as a dedicated student of the ashram, she dreams of a better future, not just for herself, but for everyone here. जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से मुझे ऐसा वो नहीं था।